नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग चाणक्य डॉट कॉम। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों 11 जून 2018 के न्यूज अपडेट की। भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज मार्केट का वो जरा देखते हैं, और ज्यादा देर की वीडियो होती नहीं है, 3-4 मिनट के अंदर हम अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों मार्केट के। चलिए पहला जो दोस्तों अपडेट आ रहा है वो आ रहा है कि पिछले एक सप्ताह में FPI ने किया है 2200 करोड़ का निवेश भारतीय शेयर बाजार में। दोस्तों ये FPI क्या है, एक तरीके से विदेश में एक विदेश से ऑपरेट होने वाला एक पोर्टफोलियो है जो भारतीय बाजार के अंदर इन्होंने अच्छा पैसा लगाया है। ये कॉन्टिन्यूसली कई महीनों से बहुत अच्छा पैसा अपने देश से निकाल करके हमारे देश में लगा रहे हैं, यानी इंडिया में लगा रहे हैं। तो बाहर के देशों से निकाल के इंडिया में लगा रहे हैं, तो भैया जो पैसा करोड़ों रुपया या हजारों करोड़ रुपया लग रहा है तो कुछ सोच के तो वो लगा ही रहे होंगे। तो एक अच्छी खबर है हमारी मार्केट के लिए। दूसरा, मैंने बताया था कि मार्केट एक बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर चल रही है, यानी यहाँ से मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए। तो अगर इस तरीके के बड़े बड़े निवेश अगर मार्केट में होंगे तो मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ने में दोस्तों ज़रूर मदद मिलेगी। दूसरा दोस्तों जो अपडेट आता है वो आता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक ढूंढने का समय है। दोस्तों कई सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, फंडामेंटल के एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल के एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये है कि अच्छी खासी पिटाई होने के बाद अब वो समय आ गया है जब आपको इनके अंदर से अच्छी क्वालिटी के स्टॉक छाटने की ज़रूरत है। आप इस समय अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक छाट पाते हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, और ये आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे पाएंगे। लेकिन क्वालिटी चेक करना अपना अपना टैलेंट है, कोई किसी बेसिस पे एनालाइज करता है, कोई किसी बेसिस पे एनालाइज करता है। तो अगर कोई अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अगर आपकी नज़र में है तो उसको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखें, और वो अच्छा रिटर्न आपको दे करके जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए तीसरा दोस्तों अपडेट आता है वो आईनॉक्स विंड की तरफ से आता है कि इनके जो ऑडिटर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, किसी फ्रॉड की वजह से इस्तीफा नहीं दिया है, कंपनी में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई है जिसकी वजह से इस्तीफा दिया है। ये कहते हैं जी हमें कुछ समय की पाबंदी है, और उस समय की पाबंदी की वजह से हम ऑडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो नया ऑडिटर हायर करेंगे या जो भी होगा, लेकिन कोई ऐसा फ्रॉड या किसी तरीके की प्रॉब्लम वगैरह भाई अब तक तो नज़र नहीं आई है सामने। अगर कुछ होगा तो बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं आया, सिर्फ ऑडिटर ने इस्तीफा दिया है। रीज़न बताया कि जी वो उनको समय नहीं मिल पा रहा तो इसलिए वो इस्तीफा देना चाहते हैं, राइट। चौथा दोस्तों जो अपडेट आ रहा है इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए लगेगा बाहुबली दम। क्यों लगेगा ज़रा देखिए टेक्निकल चार्ट्स में, बीच बीच में मैं निफ्टी के इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि फंडामेंटल के साथ जो टेक्निकल का जो मेल आता है वो बड़ा खूबसूरत बनता है। वो ज़रा देखिए कि होता क्या है, ज़रा देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से ऊपर का जितना भी जोन है, ये जितनी भी मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, ये जितनी भी यहाँ पर आकर के प्राइस रुक जाता है, ये सारा रेजिस्टेंस लेवल है भाई। यहाँ पर आकर के इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, यहाँ पर आकर के सारे अलर्ट हो जाते हैं। अब उनको ये लगता है कि ये एक अच्छा वो पॉइंट है कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए भैया दिलदार बंदे चाहिए जो बाहुबली का दम रखते हो, दिल रखते हो, ताकि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सके। नहीं तो भैया ये जो चार्ट दिख रहा है तो इस तरीके से दिख रहा है कि कोई झाँक करके वापिस जा रहा है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 भाई 5 बार ऐसे झाँक करके मार्केट ऊपर और नीचे आ जाती है भाई। क्लोजिंग तो दे ही नहीं रही है, डंडिया निकलती है ऊपर, वो झाँक करके वापिस आ जाते हैं। तो भैया सारे झाँक करके वापिस आ रहे हैं कि भाई देखो कोई रुका हुआ है क्या, कोई रुका हुआ दिखता नहीं है, वापिस आ जाते हैं। तो वो स्थिति दोस्तों मार्केट में यहाँ बनी हुई है। तो यहाँ पर चाहिए दोस्तों एक अच्छा पैसा चाहिए मार्केट के अंदर जो सस्टेन करने में मदद करे, और अदरवाइज वो इसी तरीके से कंसोलिडेट करता रहेगा ऊपर नीचे। और होप्स हो भैया, उम्मीद तो हम ये करते हैं कि अच्छा पैसा लगाया जाए और मार्केट को ऊपर जाने में मदद करे। बाकी RBI भी अपनी तरफ से कुछ करने वाला है, देखते हैं जब करेगा तब हम आपको बताएंगे, ताकि मार्केट की जो कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी हो। चलिए यही था दोस्तों आज की वीडियो में, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।